हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 49 ऑफ एक्सरसाइज 3C, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन 38 ये है, 7x² प्लस 2√14x + 2। देखिए स्टूडेंट, पहले क्या करते हैं, पहले हम करते हैं फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से इंटू करते हैं, तो 7 × 2 = 14। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2 हो गया, या फिर 2 × 7 = 14, 7 × 7 यही होगा। देखिए स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, प्लस माइनस ऐसे करते हैं कि प्लस करने पे या फिर माइनस करना आना चाहिए, 2√14 आना चाहिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि प्लस माइनस करने वही नंबर 2√14 आना चाहिए, और वही नंबर इंटू करने पे कितना आना चाहिए, 14, जिसका हम एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट, वही नंबर आना चाहिए, ये नंबर नहीं आना चाहिए। प्लस माइनस करने पे 2√14 आना चाहिए, और वही नंबर इंटू करने पे 14 आना चाहिए, जिसका हम एलसीएम निकालते इंटू करने पे वही आना चाहिए। आप 2 नहीं करेंगे, इंटू जिसका हम एलसीएम निकालते इंटू करने पे वही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 7 × 2 = 14 हमें क्या लाना है, इसको ऐसे प्लस माइनस करना है कि 2√14 आए, और वही नंबर इंटू करने पे कितना है, 14 आए, ठीक है। देखिए उसमें क्या हो जाएगा, अगर हम 7 × 2 = 14 होता है, ठीक है, 7 × 2 = 14, अगर हम √14, तो देखिए स्टूडेंट, 7 × 2 = 14 होता है, देखिए स्टूडेंट, 7 × 2 = 14 होता है। अगर हम √14 को हम ब्रेक करके क्या कर सकते हैं, √14 × √14 है, ये आपको पता है कि √14 × √14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14, और 14 को √14 √14 लिख सकते हैं, ये आपको पता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, √14 × √14, अब देखिए स्टूडेंट, इसको प्लस करिए और इंटू करिए, देखिए प्लस करने पे 2√14 आ रहा है, और इंटू करने पे 14 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, बस हमने क्या किया, 7 × 2 = 14 किया है, ठीक है, और 14 को ब्रेक कर दिया है, तो देखिए उसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, √14 + √14। तो क्या करते हैं, प्लस में जो पीछे वाला अंडर रूट था वो सेम रहता है और आगे प्लस होता है, तो इसके आगे कौन सा नंबर, 1 है, कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, इसके आगे भी कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, ठीक है, तो 1 1 2, और ये नंबर ऐसे उतर जाता है, तो 2√14 आ रहा है। अब इंटू करके देखिए कि 14 आ रहा है कि नहीं, तो √14 × √14 हम करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 14 आएगा। यहाँ पे देखिए, हमने 14 को ब्रेक किया था इतना, अगर हम 14 को ऐसे ब्रेक करेंगे तो 14 आएगा, आ रहा है, तो हम लिख देंगे 7x² प्लस √14x + √14x + 2 होगा। अब हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, 7 के टेबल 14 आता है, √14 नहीं आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 7 को हम √7 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो 7 × 2 = 14 होता है, लेकिन रूट नहीं आता उसमें, इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं √14 में, मतलब रूट में चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए √7 × √7 लिख सकते हैं स्टूडेंट, x² हो सकता है, प्लस √14x + √14x + 2, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब 7 कॉमन लेंगे, अब क्योंकि 7 के टेबल में दोनों नंबर आता है, 7 भी आता है, अब हम क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट, √7 कॉमन लेंगे, क्योंकि √7 के टेबल में √7 भी आता है और 14 भी आता है, ठीक है, तो √7 हम कॉमन ले लेंगे, और x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x², यहाँ पे x है, ठीक है, √7 के टेबल में √7 भी आता है, √7 × √7 = 14 होता है, तो हम √7 कॉमन ले लिए और x कॉमन लिए, यहाँ पर बचा क्या, √7 बचा और यहाँ पे x बचा, प्लस 7 × 2 = 14 तो √2 होगा, √2 नहीं होगा, 7 × 2 = 14 रूट भी दिया हुआ है तो रूट होगा, प्लस अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, √2 लिखेंगे, 2 के टेबल में आता है 14, √14 नहीं आता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, √2 करेंगे, √2 = √14, ठीक है, तो हम 14x + √ × √, ठीक है, तो √7x + √2, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 × 7 = 14, मतलब √7x + 2 अंदर रह गया, √2 दोनों तरफ सेम है, √7x + √2 ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 38 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन 39। 6√3x² - 47x + 5√3, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों इंटू करते हैं,
देखिए उससे इन दोनों को इंटू कैसे करेंगे, 6√3 × 5√3। अब देखिए उससे इसके पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि 14 को ब्रेक होकर √14 √14 हो सकते हैं और √14 √14 जुड़ के 14 बन सकते हैं। वैसे यहाँ पे सेम क्या करेंगे, √3 √3 जुड़ के क्या बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 है इंटू, यहाँ पे 5 है इंटू, हो गया 6 × 30 = 33 × 90, ठीक है 90 हो गया। अब देखिए उससे हम क्या करेंगे, ऐसे अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 90, 2 × 4 = 0, 2 × 2 = 4 = 0, 2 × 4 = 0, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, यहाँ देख लीजिए 2 × 4 = 2 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, क्या आया 2 × 3, 2 × 3 = 3, 5 आया इसका एलसीएम, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे प्लस माइनस करने की -47 आए, ठीक है, और वही नंबर इंटू करने पे क्या है 90 आए, जिसके हम एलसीएम निकालते हैं वो आए, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा, अगर हम 5 × 15 = 15, 3 × 15 = 15, 15 = 45, 45 को अगर हम 2 से प्लस करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा 47 आएगा, हमें चाहिए क्या -47 चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे -45 करेंगे और -2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन किसका होता है माइनस का होता है, 5, 6, 7 और 4, 47 आ गया। अब हम इसी नंबर को इंटू करके देखते हैं कि 90 आता कि नहीं, तो -45 − 2 × 5 = 10, 4 × 2 = 8, 9, −×−+ जाता है, इंटू में क्या होता है इसमें −×−+ जाता है और साइन किसका होता है, साइन भी प्लस का हो जाता है, प्लस में माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका होता है माइनस का रहता है, ठीक है। 90 आ रहा है तो आप यहाँ लिख लीजिए 6√3 × 45 × − 2 × 5√3, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, पहले हम 45 को ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट 45 का एलसीएम क्या है, ये है, ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 15, 3 × 5 = 15, 5 × 5, ये इसका एलसीएम है, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 3 × 3 × 5 − 3 × 3 × 5 × − 2 × + 5√3, ठीक है। देखिए 6 को हम ब्रेक करेंगे क्या आएगा, 3 × 2 आएगा, 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 2 आ गया x²−। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं कि अगर हम, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 भी है, इस तरफ 3 भी है और √3 है। अगर हम स्टूडेंट 3 को 3 × 3 × 5 इसका एलसीएम है 45 का, अगर हम 3 को हम √3 × √3 कर देंगे और एक 3 यहाँ पे हो जाएगा × 5 × −2 × + 5√3। देखिए स्टूडेंट इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3√3 इधर भी है और 3√3 इधर भी है, तो 3√3 हम कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, तो 3√3 कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट 2 बच जाएगा, 3√3 हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया और एक x बच गया, −3 × √3 बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया, बचा क्या 5√3, ठीक है। यहाँ पे पहले से दिया हुआ स्टूडेंट 2x + 5√3 पहले से दिया हुआ, लेकिन साइन चेंज है तो इसके लिए हम क्या करें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में प्लस में चेंज आता है और जो प्लस में माइनस में चेंज आता है, तो 2x से माइनस में तो प्लस में चेंज जाएगा और ये प्लस में तो ये −5√3 जाएगा, तो 2x − 5√3 इधर भी है और 3√3x − 1, ये हमारा आंसर हो गया। सो स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, तो 5√5 × 2x + 3√5। देखिए स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका इंटू करेंगे, ठीक है, इंटू करेंगे, इंटू करके देखते क्या आता है, 5√5 × 3√5, ठीक है, 5 × 3 = 15 हो गया और √5 × √5 जुड़ के क्या हो जाता है 5 हो जाता है, 15 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 6, 7, 75 क्या है एलसीएम निकालेंगे, तो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला था, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसका एलसीएम है 75, तो 5
थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव, ठीक है। अब इसको हम ऐसे प्लस माइनस करना है कि 20 है और इंटू करना वही नंबर कितना है 75 है, जिसके जो इंटू करने में क्या आना चाहिए 75 आना चाहिए, जिसका हम एलसीएम निकालते हैं इंटू करने में वही आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 20, ठीक 20, ठीक है। देखिए स्टूम, अगर यहाँ पे हम 5 थ्री से 15, 15 को 5 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। और 15 को हम 5 से इंटू करेंगे तो भी क्या आएगा 75 आएगा, यहाँ आ जाएगा 5√5x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5, ठीक है। अब देखिए स्टूम, यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, 5 थ्री से 15 होता है, यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते, 5 अगर 15 को हम ब्रेक करेंगे क्या आएगा 5 इंटू 3 आएगा, तो हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, 5 इधर भी 5 इधर भी है, तो हम 5 को हम कॉमन ले सकते हैं, 5√5x² प्लस 5√3x प्लस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट √5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 5 को हम ब्रेक कर क्या कर सकते हैं √5 × √5, क्योंकि हमने √5 इधर दिया हुआ है और इधर 5 दिया हुआ है, तो अगर हम 5 को ब्रेक करेंगे √5 × √5 आएगा, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं √5 कॉमन ले सकते हैं कि दोनों तरफ है, ये हो जाएगा प्लस 3√5, ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा क्या √5 बचा और x बचा, यहाँ पे 3 बचा, प्लस यहाँ पे हमने √5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा क्या √5 बचा और प्लस 3 बचा, तो √5x प्लस यहाँ पे x भी हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे x था √5x प्लस 3 और 5x प्लस √5, ये हमारा आंसर हो गया।